हेलो एवरीवन सी एफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आज हुआ नवंबर 2023 का पेपर एंड डेफिनेटली वन ऑफ द टफ पेपर्स देख सकते हो आप 60 परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग इन द पोल मैं टफ एंड ऑलमोस्ट 60 परसेंट सेट की सर रिव्यू आज मत देना तो ये रिव्यू वीडियो नहीं है इनफैक्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में कितनी जगह खामियाँ थी जिस कारण से हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया जबकि एक्चुअल में वो क्वेश्चन की ही प्रॉब्लम है और ये अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं सारे पेपर खत्म होने के बाद मेल भी करेंगे ताकि चेकिंग होने के स्टेज से पहले ही इंस्टीट्यूट के सामने ये सारी चीजें आ जाए और सजेस्टेड आंसर में वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग इनकॉर्पोरेट हो जाए और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे देखने के बाद आपको खुद को रिलैक्सड और टेंशन फ्री आप भी फील करोगे आप जितना सोच रहे हो आपके मार्क्स आएंगे आप आसानी से समझ लो उससे पांच से दस मार्क आपके ज्यादा आएंगे क्योंकि मुझे रिव्यू शेयर नहीं करना है इसलिए मैं सिर्फ उन पॉइंट्स पर यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ उस पूरे पेपर में जहाँ जहाँ इश्यूज थे ताकि अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप देख के अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो और बोल सकते हो कि चलो अब अगले पेपर पे अपन ध्यान दें आप ऑलरेडी एस एफ पूरी तरह से अपना दिमाग ले जा चुके हो इस वीडियो को यहीं शट डाउन कर दीजिए और पढ़ाई पर लग जाए लेकिन एक बार ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों इस पर्टिकुलर पेपर से एंड ये पेपर हमें एक सीख जरूर दे गया दिस वज नॉट वन ऑफ द पेपर जो स्टडी मटीरियल आर टी पी एम टीमी में से प्राइमारली आया था इस पेपर में सिर्फ वो नहीं था जो अभी तक आ रहा था वो भी था जो इंस्टीट्यूट नया लेके आया जो हम क्लास में कहते थे विजिस डोंट स्टडी वट हैज बीन आज दिन दी एग्जाम वी ऑल्सो स्टडी वट इज गोइंग टू बी आज दिन द एग्जाम पहला क्वेश्चन कम्पल्सरी बीस मार्क का बोनस का एडजस्टमेंट दो हजार सत्रह न्यू कोर्स आया तब से मैं पढ़ा रहा हूँ कभी आया नहीं कई सारे बच्चे बोलते थे सर आता नहीं है पढ़ाते क्यों ये पेपर उसका जवाब है आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट एनी थिंग अबाउट माई सेल्फ बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू यूर इज आगे के पेपर्स के लिए ये एक सीख है वो सिलेक्टिव अप्रोच आज तक नहीं है तो अब क्या आएगा कितना कर लोगे बस इतना इतना करके चले जाओ इतना पढ़ लो काम हो जाएगा ये सब तब तक ठीक है तब तक चीज़ें चल रही है दोस्तों अब मेरे हिसाब से आपको अपनी अप्रोच इमीजिएटली ये कर देना चाहिए कि आपको समझ जाना चाहिए कि यार क्या क्या चीज़ें आ सकती है अगर ये आ गई तो मैं क्या कर लूँगा आई जस्ट के नॉट रिलाई ऑन सर्डन थिंग्स कि यार ये नहीं आने वाली क्योंकि ये जीता जागता है एफ आर का एग्जाम्पल और इस हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी करिए लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले पूरा जोर सेल्फ स्टडी पे लगाओ जितनी कवरेज कर सकते हो करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके जाओ सिलेक्टिव कुछ कुछ चीज़ें पढ़ के जाके एग्ज़ाम देने की कोशिशें मत करो और बढ़िया होगा दोस्तों एफ आर में भी आपने जैसा किया है जैसा सोच रहे हो उससे आपने बेहतर तो चलो अब अपन क्या करते हैं पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्या क्या कंसर्न्स थी सर पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आपका कंसोलिडेशन पहली बात तो बीस मार्क्स का पहली बार इतिहास में क्वेश्चन आया ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी डिटेल था एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या मुद्दे थे दर टोल यू वी आर नॉट गोइंग टू डू अ डिटेल रिव्यू जस्ट जो इश्यूज थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं वो बताता हूँ जिस कारण से इंस्टीट्यूट को एक्स्ट्रा मार्क्स देने ही पड़ेंगे ब्रीफली क्वेश्चन में हुआ ये है कि एच फॉर हैमर होल्डिंग एच फॉर सब्सिडी स्लिक इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं और दो डेट पे हुए हैं मार्च ट्वेंटी थ्री की आपकी बैलेंस शीट है पहला एक्विजिशन अप्रैल ट्वेंटी टू पर हुआ है बीस हज़ार शेयर का आउट ऑफ टोटल ऑफ फिफ्टी थाउजेंड शेयर यानी फोर्टी परसेंट एसोसिएट बन गई और फिर उसके बाद में थर्टी फाइव परसेंट शेयर्स हमने और ख़रीदे तो ये हमारी सब्सिडी बन गई ये कब हुआ एक अक्टूबर को तो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल एक अक्टूबर आ गई में बनाना सिर्फ बैलेंस शीट है तो अगर आपने एसोसिएट टू सब्सिडी का एडजस्टमेंट किया और नहीं किया और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका इम्पैक्ट प्योर में आएगा बैलेंस शीट एक ही बनेगी दोनों तरह से करो आप एट परसेंट डिवेंचर थे जो इंटर कंपनी थे इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा लॉस बुक करना पड़ेगा प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं है रिटर्न अर्निंग्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने देखो कैसी चालाकी करी और मैं क्लास में बोलता हूँ इंस्टीट्यूट ऐसी हरकत करता है यहाँ पहले जनरल रिजर्व बाद में रिटर्न अर्निंग दी और यहाँ पे पहले क्रेडिट बैलेंस रिटर्न अर्निंग और बाद में जनरल रिजर्व का मुद्दा वो नहीं है पहला पेड डिविडेंड एट टेन परसेंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ बैलेंस ऑफ रिटर्न अर्निंग ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर फाइनेंशियल ईयर इक्कीस बाईस तो इन्होंने बोला है एक अप्रैल बाईस यानी कि ओपनिंग रिजर्व से इन्होंने डिविडेंड बांटा है कौन से साल का बांटा है इक्कीस बाईस का बांटा है कितना दस परसेंट पर किस डेट को बांटा है ये नहीं तो ये पहली प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट की क्यों क्योंकि अगर ये डेट आपकी फर्स्ट अप्रैल के बाद और फर्स्ट अक्टूबर से पहले तो आपको डिविडेंड सिर्फ इस पे मिलेगा पर एक अक्टूबर के बाद होगी तो डिविडेंड दोनों पर मिले आई एम श्योर मेजोरिटी ने अज्यूम किया होगा बीस हज़ार पर ही मिला है लगता भी वही सही है पर ये पहली प्रॉब्लम है और अपन बाकायदा इंस्टीट्यूट को मेल लिखेंगे और बड़ी तादाद में सब लोग मिल के लिखने वाले हैं कि आपके पेपर में ये एक आप इसका क्या करने वाले हो बता दो सजेस्टेड आंसर तक मत रोकना आखिरी अटम्प्टे चलिए ये पहला इशू दूसरा <coughs> इन्होंने बोला रेजोल्यूशन अट्ठाईस फरवरी को बोनस शेयर अपन ने बाटें उसमें कोई इफेक्ट नहीं है सिंपल सा एडजस्टमेंट है ये बोनस में बस अपने को एज्यूम करना पड़ेगा कि ओपनिंग रिजर्व से हैं तो एडजस्टमेंट थोड़ा आसानी से हो जाएगा इंटर कंपनी सेट ऑफ है ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं कोई दिक्कत नहीं अब ये देखो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस हैमल लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम स्लीक लिमिटेड अब कईयों ने इस पर फोकस नहीं भी किया होगा पर आप देखेंगे कि ये अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है होल्डिंग ने सब्सिडी से माल खरीदा है कब खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस अब आप देखो बाईस तेईस में, में मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल मिड ऑफ द ईयर है फर्स्ट अक्टूबर तो अगर मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा माल जो है ये पूरे साल भर में बिका है तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सिर्फ फिफ्टी परसेंट आएगा फिफ्टी परसेंट प्री एक्विजिशन पीरियड का होगा जिसका एडजस्टमेंट नहीं करना होगा या फिर मैं ये मानूँ कि ये पूरा थ्रू आउट द ईयर है पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड से है तो पहले पुराना माल बिक गया तो नया माल जो है वो बाद वाला बिका होगा <coughs> ऐसा एक बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बहुत पहले पूछ चुका है जिसमें दो अल्टरनेट सोल्यूशन निकाले थे जिसमें पहले उन्होंने माना था कि ये साल भर बिका है और दूसरा उन्होंने माना था कि ये पोस्ट पीरियड को रिलेट करता है जिस कारण से यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आएगी तो कंसॉलिडेशन के बीस मार्क के क्वेश्चन में दो जगह ही एक एम्बिगुटी है इसमें तो चलो इंस्टीट्यूट निकल जाएगा जो भी एजम्पन लेके पर उसको अल्टरनेट आंसर्स देना पड़ेंगे क्योंकि हम दोनों एजम्पन्स ले सकते हैं हम मान सकते हैं ये पूरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का ही हम ये भी मान सकते हैं ये थ्रू आउट द ईयर हुआ है क्यों क्योंकि फी फॉर वेटेड एवरेज बेसिस है मेरे पास यूज़ करने के लिए चलिए सेकेंड क्वेश्चन सी एस आर वाला था रिव्यू <coughs> नहीं करना है तो डिस्कस नहीं करेंगे बट ये थैंकफुली एक ऐसा पेपर या एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपने सी एस आर का एक पचास मिनट का अपना यूट्यूब का वीडियो भी देखा होगा तो शॉर्ट शॉर्ट पूरा हो जाएगा आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो हो जाएगा चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन था सेल्स मार्केटिंग कंपनी अम्यूजमेंट पार्क वन वन फाइव का क्वेश्चन था जिसमें इन्वेंट्री रिस्क कम नहीं ले रही है सिमिलर क्वेश्चन एयरलाइन टिकट से रिलेटेड है स्टडी मटेरियल में पूछा हुआ है ये प्रिंसिपल है भाई ठीक है इसके बाद दिस इज़ ऑल्सो स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कौन सी कॉस्ट ऐड होगी या नहीं होगी इसमें कहाँ इशू है कमीशन पेड ऑन सक्सेसफुल साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ऐड हो जाएगा कॉस्ट हो परफॉर्म लीगल फीस फॉर ड्राफ्टिंग द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट और अरेंजमेंट अब टेक्निकली अगर अरेंजमेंट और अग्रीमेंट हो चुका है और उसके बाद लीगल फीस इनकर हुई है तो फिर वो ऐड होगी लेकिन हम अग्रीमेंट अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब अभी भी दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो इससे बाहर निकल सकती है अग्रीमेंट से यानी फेल हो सकता है अग्रीमेंट तो फिर उस पर्टिकुलर केस में ये ऐड नहीं होगी क्योंकि लॉजिक सिंपल सा होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ये कॉस्ट नहीं लगती तो अगर ये इवेल्यूएशन स्टेज पर होता तो उस पर्टिकुलर केस में ये ऐड नहीं होएगा कंफर्म हो चुका है ड्राफ्टिंग उसके बाद की जा रही है तो ऐड होएगा ज़्यादा आंसर किस तरफ होना चाहिए कि ऐड नहीं होगा हालांकि ये जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चन है उसमें साफ साफ तौर पे दिया हुआ है ड्यूरिंग द निगोसिएशन फेज यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने वो फ्रेज़ यूज़ नहीं किया चलिए बाकी इन सब में कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसलिए इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि भैया कौन से ऐड होंगे कौन से नहीं ऐड होंगे बट प्रॉब्लम जो थी वो एक इस पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है अगर मैं बहुत बारीकी में जाके पेपर में कहा एम्बिगिटी बच्चों को आई होगी उसकी बात करूं तो ताकि अपन मेल में सारे मुद्दे उठा के उनको अभी से आगाह कर दे कि चेकिंग करते समय वो दोनों ऑल्टरनेट ओपिनियंस रखें चलिए अगला क्वेश्चन है ये लीज वाला क्वेश्चन है आपका आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला क्वेश्चन शायद स्किप कर दिया होगा बिकॉज स्पेसिफिकली कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझसे पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन मात्र मैं डिस्कस कर देता हूँ इस पर्टिकुलर केस में आपको इफेक्टिवली क्या दिया है क्वेश्चन ने कि कंज्यूमर प्रोडक्ट एंटिटी है ए लिमिटेड लेसी है इसने लेसर से एक प्रोडक्शन लाइन डेडिकेटेड बेसिस पर लिया तीन साल के लिए लिए ए ने बोला है कि वो एक लाख यूनिट्स पर मंथ का मिनिमम ऑर्डर देगा ही देगा इसको बी को बदले में उसको क्या मिलेंगे एक लाख यूनिट जिसके वो पैसे देगा टू फोर्टी पर यूनिट पर अगर वन ट्वेंटी से ऊपर उसने मैन्युफैक्चर कराया तो टू फोर्टी सिक्स पर यूनिट देगा ए के पास एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोडक्शन लाइव ना तो इसका मतलब उसका कंट्रोल आ गया सबस्टेंशली और इकोनॉमिक बेनिफिट उसके पास आ रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि उसके अलावा और कोई लाइन यूज़ नहीं कर सकता आइडल रहेगी तो भी ए के कंट्रोल में रहेगी बी बस उसे ऑपरेट कर रहा है तो बी के पास डायरेक्ट टू यूज़ नहीं है वो सिर्फ ऑपरेटर है एक तरह का तो इन सब लॉजिक से यह लीज बैठती है आगे जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर दी गई है ए लिमिटेड एस्टिमेटेड मैनुफैक्चरिंग ईच यूनिट बी लिमिटेड इनकर्ज एवरेज कॉस्ट ऑफ वन नाइन्टी फाइव तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपकी अगर आप बी से ऐसे माल बनवाते तो कितने पे बनवाते वन नाइन्टी फाइव रुपीज़ पर बनवाते ऐसा इन्होंने लिखा है एंटिटी टी बी लिमिटेड इनकर्स एवरेज कॉस्ट ऑफ वन नाइन्टी फाइव सुनना आप बात को फर्दर ऑब्जर्वेबल स्टैंड स्टैंडलोन प्राइस रेंट ऑफ प्रोडक्शन लाइन इज सिक्सटी लाख रुपीज़ पर मंथ यानी अगर मैं सिर्फ रेंटल अरेंजमेंट करता तो मैं साठ लाख रुपये पर मंथ देता एन टी टी ए लिमिटेड इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट कवेंसमेंट डेट ऑफ लीजेज टेन परसेंट पर है ना तो ये रेट दिया हुआ है आपको आगे बोला एन टी टी ए लिमिटेड कंक्लूड्स अरेंजमेंट कंटेन्स अज पर वन मन सिक्स तो वो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है लीज है इट ऑल्सो डज नॉट इलेक्ट्स टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉट टू सेपरेट नॉन लीज कॉम्पोनेंट फ्रॉम लीज कॉम्पोनेंट अकॉर्डिंग सेम्पोनेट नॉटशल में हो यह रहा है कि मैंने आपसे आपकी जगह लीज पे ले ली मैंने बोला ये प्रोडक्शन लाइन मेरी है आप इसमें मेरा माल बनाओगे किसी और का नहीं बनाओगे मैं आपसे बदले मिनिमम एक लाख यूनिट साल के खरीदूंगा जिसके लिए मैं आपको दो सौ पर यूनिट दूंगा अगर मैंने एक लाख बीस हज़ार से ज़्यादा यूनिट खरीदे तो मैं आपको टू हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स यूनिट्स रुपीज़ पर यूनिट सबके लिए पे करूँ एक तरह से ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या होता कि भैया आप मुझे माल सप्लाई करो मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा लेकिन ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्यों क्योंकि मैंने मिनिमम कमिटमेंट दिया और मैंने बदले में आपकी प्रोडक्शन लाइन पे कंट्रोल ले लिया इसलिए ये लीज़ हो गया अब इस लीज़ में मुझे दो फायदे हो रहे हैं पहला मुझे आपकी जगह यूज़ करने को या मशीन प्रोडक्शन लाइन यूज़ करने को मिल रही है और दूसरा मुझे यूनिट्स भी मिल रहे हैं तो एक लीज कॉम्पोनेंट हो गया और जो मुझे प्रोड्यूस यूनिट्स मिल रहे हैं वो नॉन लीज कम्पोनेट हो गया अब ये दो कॉम्पोनेंट्स को मुझे सेग्रीगेट करना है तो इंडिया क्लियर है कि भैया लीज़ और नॉन लीज़ को स्टैंडलोन प्राइस के बेसिस पे सेग्रीगेट किया जाता है अब स्टैंडलोन प्राइस के बेसिस पे सेग्रीगेट करेंगे तो स्टैंडलोन प्राइस कैसे निकलेगी तो अगर मैं सिर्फ लीज पे लेता तो साठ लाख रुपए पर मंथ था तो ये स्टैंडल प्राइस हो गई किसकी लीज ओन लेगी और स्टैंडलोन प्राइस यूनिट्स की क्या होगी तो एंटिटी बी लिमिटेड इनकर्स एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 195 तो बी की एवरेज कॉस्ट कितनी है 195 और मैं हर महीने कितने यूनिट्स ले रहा हूँ एक लाख अब सर ज़्यादा भी तो हो सकते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फिक्स लीज पेमेंट का जो कहता है कि फिक्स लीज पेमेंट का मतलब वो जो इन सब्सटेंस फिक्स्ड है तो आप किसी भी केस में कितना पैसा दोगे ही दोगे एक लाख यूनिट इन टू टू फोर्टी विच इज़ टू हंड्रेड एंड फोर्टी लाख और ये पर मंथ है तो ये आपके फिक्स लीज पेमेंट है इतने तो आपको देने ही देने इसे हम एलोकेट करना है तो किस रेशियो में एलोकेट करेंगे तो रेंट सिक्सटी है और एक लाख यूनिट अगर मुझे मिल रहे हैं तो वो वन लाख यूनिट मुझे ऐसे देखा जाए एवरेज प्राइस कितनी आ रही है वन नाइन्टी फाइव यानी मैं बोल सकता हूँ वन नाइन्टी फाइव लैक्स तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं मेरे टू हंड्रेड एंड फोर्टी जो मुझे मिनिमम पेमेंट करना है क्योंकि इसके ऊपर गया तो वो कंटिजेंट रेंट है वो फिक्स नहीं है वो प्योरल में जाएगा ये जो मिनिमम पेमेंट मुझे टू फोर्टी करना है इसको सिक्सटीज़ टू वन एट्टी फाइव वन नाइन्टी फाइव के रेशो में अलोकेट कर दूंगा जो सिक्सटी का रेशो ऑफ प्रपोर्शनट अमाउंट आएगा वो लीज पेमेंट माना जाएगा जो बचे हुए का आएगा उसको क्या माना जाएगा कि ये यूनिट्स की कीमत है और फिर क्वेश्चन उसके हिसाब से हम डिस्काउंटिंग करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं करी है तो एक ये मुद्दा उठाने का है अपने सेकेंड मुद्दा क्या है यहाँ पे यहाँ पे सिक्सटी पर मंथ है और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है वो एनुअल दिया है तो वो इसको क्या करते हैं एनुअलाइज करके टेन परसेंट जो डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की निकालते हैं विच विल नॉट एग्जैक्टली बी द करेक्ट बिकॉज दिस इज टेन परसेंट पर है नॉट पर मंथ का रेट दिया हुआ है चलो तो अभी मेरा उद्देश्य ये डिबेट करना है या ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है आप चिंता मत करो वो सब अपन कवर कर लेंगे हालांकि क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टेन परसेंट की ए रही है तो इससे सॉल्व करके अपने को करना है वो प्रॉब्लम नहीं है वॉट आई एम ट्राइंग टू से देर आर कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर पेपर विच वी कैन रेज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अस मोर मार्क्स बिकॉज इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पेपर इट इज नॉट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम चलिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रा लिमिटेड से तो दोस्तों एकदम बिंदास रहो तुम जितना सोच रहे हो तुम्हारा पेपर उससे बेहतर गया है तुम जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा मार्क्स तुमको मिलने वाले एकदम तय है ये बात हाइड्रा लिमिटेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है इंडेस वन जीरो फाइव का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है क्या अमाउंट आपको दिया गया लॉस बुक कर लो टोटल निकाल लो जो लॉस आएगा उसको पहले गुडविल से और बाद में फिर क्या है आपको इंस्ट्रूमेंट इंडिविजुअल अकाउंट से राइट ऑफ करना गुडविल से करने के बाद टेक्निकली आपके जो असेट्स बचेंगे उसमें आप कैरिंग अमाउंट के रेशो में राइट ऑफ करोगे और ज्यूमिंग की उसका रिकवरेबल अमाउंट से नीचे वो नहीं गया ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बेसिकली आपका नो प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें प्रमाली दो एडजस्टमेंट एक इंटर कंपनी सेट ऑफ का और दूसरा एक जो आपने इन्वेंटरी बेची है उसके गेन लॉस का चलिए कंपल्सरली कन्वर्टेबल शेयर का क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है फिगर्स इसमें चेंज कर दिए गए हैं ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये कंपलसरली कन्वर्टेबल है तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो लाइबिलिटी में काउंट नहीं होगा सिर्फ जो फिक्स पेमेंट है वो काउंट होंगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट से तो आपका कुछ चार एक हज़ार का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा जो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और कोई इसमें आपके पास चॉइस नहीं रहेगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें तीन परसेंट दी गई है पंद्रह परसेंट आना आपकी है तो इसमें इनफैक्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट पहले अलोकेट नहीं होती इनफैक्ट आप क्या करेंगे पहले आपके जो फ्यूचर फिक्सड पेमेंट्स है जो कितने होंगे ट्वेल्व परसेंट कोपन रेट का जो अमाउंट है उससे चार साल के पेमेंट निकाल लो उसको पंद्रह साल परसेंट से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई वो बचा हुआ कॉम्पोनेंट आपका पचास लाख से कंपेयर कर लीजिए आप तो बचा हुआ कॉम्पोनेंट आपका क्या आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑर इक्विटी कॉम्पोनेंट फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेना और उसको इन दोनों में अलोकेट कर देना इस रेस्ट फिर सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट से आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिस्काउंट होकर जीरो हो जाएगी सब्जेक्ट टू एक चार एक हजार रुपये का कुछ डिफरेंस आएगा ठीक है फैक्टर्स आपको ये दिए हैं ये वाले यूज़ करना है बेसिकली फिफ्टीन परसेंट वाला यूज़ आए कॉस् कंसटेंट इन यूजिंग फाइनेंशियल इफॉर्मेशन ये थ्योरी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का आपका चैप्टर है कॉस्ट प्रिंसिपल्स की क्या लिमिट <coughs> इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आया नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ तो आप निकाल सकते हो बैक <coughs> कैलकुलेट करके कहीं ना कहीं नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे जो इंस्टीट्यूट ने दिए उसमें वो देते हैं कि पाँच सौ एम्प्लॉज थे यहाँ दिया नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा कि भाई फाइनली फोर नाइन्टी टू बचे और इतने छोड़ गए तो इस हिसाब से अपन बैक कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एम्प्लॉज हमारी कंपनी में थे शुरुआत में प्रॉब्लम यहाँ नहीं है प्रॉब्लम यहां पर है जिसके कारण जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है मेरे हिसाब से पक्के मार्क्स एक्स्ट्रा मिलना चाहिए उनको क्यों बीस इक्कीस पहले साल में बोला है कंपनी एस्टिमेट टू परसेंट ऑफ इज एम्प्लॉई विल लीव द कंपनी एनुअली इसका मतलब फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू जीरो पॉइंट नाइन एट टू द पावर थ्री ये होना चाहिए या फिर बीस इक्कीस में भाई हमें मालूम है पंद्रह तो छोड़ गए तो पाँच सौ पच्चीस में से पंद्रह छोड़ गए तो बच्चे पाँच सौ दस और इसमें से दो परसेंट और छोड़ के जाएंगे दो सालों तक नॉर्मली ये कन्फ्यूजन दूर कब होता है जब इसके बाद में ऐसा लिखा जाता है टू परसेंट ऑफ एम्प्लॉय लीव द कंपनी एनुअली ओवर द वेस्टिंग पीरियड जब ये एक फ्रेज लिख दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल कितने छोड़ के गए टू परसेंट पर एनम ओवर द थ्री ईयर पीरियड रिटायर होंगे यानी उस केस में फिर ये वाला एज्पशन सही होता है और एक्चुअल रिटायर नहीं देखते फिर यही प्रॉब्लम आती है अगले साल में अगले साल में क्या बोला गया दिस इज रिवाइज टू थ्री परसेंट इन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो वापस से थ्री परसेंट ओवर द ओवरऑल थ्री ईयर पीरियड और ओवर द रिमेनिंग पीरियड ये डिफाइंड नहीं है दैट इज वाई एम इज अ प्रॉब्लम पर्टिकुलर क्वेश्चन और ये जेन्यून प्रॉब्लम चलिए ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है तो ये सेम आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ज़माने का क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे इंडिया में पूछा है इन्होंने तो आप देखो यहाँ पे कैसे बताया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होते थे फिक्स सेट्स ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने ए एस के ज़माने में दो से पहले ये देख लो आप फिक्स सेट दिया हुआ है ये कोई बात ही नहीं होती है दोस्त क्या बोल रहे हैं ये थ्री सेगमेंट है एच और इन्फॉर्मेशन दी गई है इकतीस मार्च दो हजार तेईस को आप टेक्निकली इसी पे क्वेश्चन कर सकते हो पर अपन ऐसी छोटी सी बात नहीं उठाएंगे कि आपको पीपी पी लिखना था फिक्स एट क्यों लिखा मैं सिर्फ सोर्स बताने के लिए आपको बता रहा हूँ तो नेवर द लेस में बोल रहा हूँ आप टेंशन मत लो <coughs> तो एनी विचवि तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया गया है तीन सेगमेंट इसके दिए हुए आपको बुलाया वन जीरो की सेगमेंट इन्फॉर्मेशन बनाओ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का सिंपल रूल होता है रिजल्ट प्लस सी को जो जो रिव्यू के लिए दिया जाता है सब बता दो तो जितनी इन्फॉर्मेशन है सब बता दो फिर एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में अपने को थोड़ा डोमेस्टिक फॉरेन कंट्री में सेल असेट एडिशन टू असेट बताना है वो बताना चलिए ठीक है नेक्स्ट ब्यूटी लिमिटेड ने पेटेंट खरीदा है चार लाख बीस हज़ार का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने इंस्टीट्यूट से डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में क्वेरी करी थी क्वेश्चन में हुआ गया इंटैंजिबल असेट है उसको अपन मैंने पहले अमेटाइज़ किया कुछ पीरियड के लिए फिर उसकी वैल्यू कम हो गई मार्केट वैल्यू गिर गई तो इसमें लॉस बुक किया फिर लाइफ भी कम हो गई तो अमरटाइजेशन बढ़ा दिया तो फोर ट्वेंटी पर सत्तर हज़ार का अमरटाइजेशन साढ़े तीन फिर दो लाख पे आ गई डेढ़ लाख का इंपेयरमेंट लॉस बुक हो गया दो लाख पे फिर एक लाख का अमरटाइजेशन लगा वैल्यू एक लाख बची अगले साल इसकी वैल्यू तीन पचास कर अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो लाख रुपये पे ये लेके आए ना ये दो लाख रुपये रिवैल्यूएशन है आप ये एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच हो जाए इम्पेयरमेंट नहीं है तो ये क्योंकि रिवेल्यूएशन लॉस है तो अगले साल जब आपका रिवेलुएशन गेन होगा तो आपने लास्ट ईयर जितना रिवेलुएशन लॉस पी से बुक किया था उतना रिवेलुएशन गेन पी में क्रेडिट होगा और उसके ऊपर का गेन ओ सी आई में जाएगा उस तरह से इसका सॉल्यूशन मॉड्यूल में दिया हुआ है आपको भी वैसे ही करना चाहिए था टेक्निकली क्योंकि यहाँ पे पूछा है रिवेलुएशन गेन कितना होगा रिवेल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है तो अपन वैसे ही आंसर देंगे इसमें इंपेयरमेंट लेकर नहीं आना है नहीं तो मामला बिगड़ जाता चलिए फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का क्वेश्चन है जिसमें सब्सिडरी के साथ कंसॉलिडेशन करने की बात की है जो ए में हमने नहीं किया था क्योंकि हमारी सब्सिडरी की डेफिनेशन में नहीं आती थी इस पर्टिकुलर केस में आपको डेट ऑफ ट्रांजिशन पे कैरिंग अमाउंट जो दिए उसको यूज़ करके उस दिन से कंसॉलीडेट करना होता है चलिए 120 सौ बीस लाख बारो किए थे डायरेक्ट क्वेश्चन था बस आप कंपाउंड करके बुक वैल्यू निकाल लो पेमेंट देख लो डिफरेंस निकाल दो सेटल कर दो देन शिप uh, <coughs> की ओवरऑलिंग है कंपोनेंट अकाउंटिंग से डिप्रिसिएशन लगेगा इंडेस सोलह का क्वेश्चन है फोर्टी करोड़्स की आपकी शिप की कॉस्ट है बीस साल की लाइफ है <coughs> अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम अगर मैं बताऊँ इसमें भी आप इंस्टीट्यूट को ओपन क्वेरी रेस करेंगे क्या है सुनो चालीस करोड़ की कॉस्ट है ट्वेंटी ईयर्स की लाइफ है एंड इट मस्ट हैव अ मेजर ओवरऑल एवरी फाइव ईयर्स ठीक है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ओवरऑल इज फिफ्टी करोड़ अब आप देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है चालीस करोड़ शिप की कॉस्ट है जिसकी लाइफ बीस साल है उसका एक कॉम्पोनेंट है मैंटेनेंस कॉस्ट जिसको अगर नॉन रेकरिंग होती है तो आप अलग से अमोटाइज कर सकते हो डिप्रीशिएट कर सकते हो दस करोड़ की है आप बोलोगे भाई चालीस के दो कॉम्पोनेंट है एक दस करोड़ नॉन रेकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है और थर्टी करोड़ इसे आप ट्वेंटी ईयर्स में करोगे और ये टेन करोड़ को फाइव ईयर्स में आपको मजबूरन यही करना जबकि एक्चुअल में क्या बोला गया है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ओवरऑल इज टेन करोड्स अब ये फर्स्ट ओवरऑल कब होएगा? आज या पाँच साल अगर ये पाँच साल बाद की कॉस्ट है तो प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए कहीं पर भी फैक्टर नहीं दिया तो वो दस करोड़ मान के आज की कॉस्ट मान के ही सॉल्व करेंगे पर क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है क्लियरली दिया जाना चाहिए और ये आखिरी आपका क्वेश्चन है बेसिकली इंडेज इट्स रिलेटेड चेंज इन पॉलिसी है चेंज इन एस्टिमेट ये भी ए एस के ज़माने का क्वेश्चन है उसी के पर्सपेक्टिव में इसके पूरे आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे तो इन सब में पूछा गया है कि ये चेंज इन पॉलिसी है एस्टिमेट इसमें एप्लीकेबल इंडेज के अनुसार आप क्या मानोगे इसमें भी टेक्निकल क्या इश्यू जैसे टेम्प्रेरी फॉल इन इन्वेस्टमेंट ये सब ए एस में होता था बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ज़माने में ऐसा होता था टेम्प्रेरी फॉल इन इन्वेस्टमेंट होता था तो अपन परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स में वो लॉस बुक नहीं करते थे जबकि इंडिया में ऐसा होता ही नहीं है ठीक है इसके आंसर निकल सकते हैं दी आइडिया इज़ नॉट टू डिस्कस एवरी आंसर बट द आइडिया इज बेसिकली टू टेल यू वॉट जस्ट टू थिंग्स नंबर वन आप जैसा भी सोच रहे हो आपके मार्क्स उससे बेहतर आएंगे चिंता मत करो दोस्त एंड दिस इज़ नॉट टू कंसोल यू दिस इज़ समथिंग विच आई श्योरली स्ट्रांगली बिलीव सारे पेपर हो जाने के बाद अपन मिल करके जितने सारे इश्यूज़ है सब पहले से आगाह कर देंगे उनको ताकि हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं चाहिए बट जो हमारे को मिलना चाहिए इंस्टीट्यूट की पेपर की कमियों के कारण वो पूरे मिले और इसके अलावा ये ध्यान रखना है हमको कि आगे के पेपर में अब हम सिलेक्टिव स्टडी वगैरह ये सब जो सोच के एक मानसिकता बनाई गई है आपको जस्ट इग्नोरेंस इज़ ब्लिस खुशी में रहो खुशी में रहो आखिरी तक कोई दिक्कत नहीं है सब बढ़िया होगा सब बढ़िया होगा क्यों पढ़ना आज तक नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा ये सारी चीज़ों से दूर हो जाओ अपना दिमाग लगाओ और ये सोचो कि क्या अगर कुछ नया आ गया तो मैं क्या करूँगा मैं किसे बोलूँगा मेरे समय का क्या होगा वो अप्रोच रख और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं आगे के पेपर में अच्छी तैयारी करके कवर करिए छोड़ दीजिए अब एग्जाम से पहले यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखना और रिविजन वगैरह देखना सेल्फ स्टडी करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद से कवर कर सकते हो उतना कवर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बढ़िया करोगे आप लोग पेपर्स में जुड़े रहना कुछ भी मेरी मदद लगेगी टेलीग्राम पर वी आर अवेलेबल ये मैं पूरा पेपर आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ हूँ एग्ज़ाम अपनी पूरी हो जाएगी फिर सारे क्वेश्चन के मैं सोल्यूशनस भी आपके साथ यूट्यूब में डिस्कस करूँ थैंक यू ऑल द पे